अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो बाय अनाया उमर वी लॉग्स। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो जो जहाँ जहाँ से देख रहा है, यूके, सऊदीया, कतर, यूएसए, कनाडा, मतलब यू नेम एनी कंट्री, जिधर जिधर मुसलमान रहते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। जहाँ पे एक तरफ रमज़ान जो है टाइम ऑफ स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है, एट द सेम टाइम ये जो है एक चैलेंजिंग पीरियड भी होता है, स्पेशली फॉर द लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो कि ट्राई कर रही होती हैं अपनी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रोज़ा रखने के साथ साथ वो भी तमाम बाखूबी निभा सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी top 10 tips शेयर करूँगी जो कि स्पेसिफ़िकली मैंने लेडीज़ के लिए डिज़ाइन की हैं, ताकि वो एक्टिव रह सकें, ऑर्गेनाइज रह सकें इस ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमज़ान में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट वीक मैंने एक दावत होस्ट की थी। अराउंड 20-30 पीपल थे मेरे घर पे, लोग थे जिनके लिए मैंने दावत अरेंज की थी। तो बैकग्राउंड में आप वो सारी प्रिपरेशन देखेंगे, वो सब कुछ देखेंगे, और बात करेंगे हम कि आप जो है रमज़ान में कैसे एक्टिव रह सकती हैं, स्पेशली वो लेडीज़ जो कि घर में रोज़ा रखती हैं और तमाम घर के कामों को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले जो टिप है, तो सबसे पहले जो मैं आपसे टिप शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ प्योरिटाइज़ योर टास्क। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रात पहले या सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, और इसमें आपने सबसे जो इम्पॉर्टेंट टास्क है और टाइम सेंसिटिव टास्क है उस पर फोकस करना है, उसको सबसे पहले करना है, और फिर उसके बाद 1-2-3 करके जो आपने सारे टास्क टू डू लिस्ट में उस तरह से आपने उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट प्लान योर मील एंड रेस्ट। आप जो है अपना जो मील है उसको प्रॉपरली और वाइजली आपने प्लान करना है, और ऐसे प्लान करना है कि आपकी बॉडी को तमाम जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है फूड की वो मिले, जिसमें प्रोटीन का एक पोर्शन हो, कार्ब्स का पोर्शन हो, उसके अलावा अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, जो है प्रॉपर मील्स लेने हैं। आप कोशिश करें कि फ्राइड आइटम्स को जितना अवॉइड कर सकें, जंक फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा आपने एक प्रॉपर टाइम एलोकेट करना है फॉर स्लीप एंड द रेस्ट टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहना रमज़ान में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप रमज़ान में जो है रोज़ा रखा हुआ होता है अपने दिन में, तो पानी की इनटेक कम हो जाती है, बट जब आप रोज़ा खोल लेते हैं, वंस यू आर गेटिंग इनटू नॉन फास्टिंग आवर्स, उस वक्त आपने जो है अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी देना है, 2-3 लीटर पानी लाजमी पीना है टू अवॉइड फटीग एंड डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। पॉइंट नंबर 4 इज़ आपने जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, वो स्ट्रेचिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, ताकि जो है आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहें। बट रिमेंबर, आपने कोई इंटेंस किस्म का जो है वर्कआउट नहीं करना ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स, जिस वक्त आपने रोज़ा रखा हुआ है। आफ्टर जो है अफ्तारी आप वर्कआउट कर सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं, लाइट टू मॉडरेट किस्म का वर्कआउट लाजमी करें रमज़ान में भी। अगर आप अपने टाइम को जो है इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक टास्क को जो है टाइम एलोकेट करें, डिफरेंट टाइम जो है डिफरेंट टास्क के लिए रखें, इंक्लूडिंग वर्क, घर के काम, उसके अलावा नमाज, रिलैक्सेशन, और जो आप स्केड्यूल बनाएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि आप अपना जो काम है इफेक्टिवली और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव गुजरे, तो ऑलवेज़ प्लान फॉर योर डे, अपना जो है टाइम कोई मैनेजमेंट करना सीखें, टाइमर लगा लें आपके, आपने ये काम अगर लाइक कपड़े प्रेस कर रही हैं आप घर में, तो 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का टाइमर लगा लें, 20-30 मिनट्स में जितना काम होता है वो आप करें, उसके बाद जो है उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अ प्रोडक्टिव डे। पॉइंट नंबर 6 इज़ डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें कि आप अपने घर के दूसरे लोगों की तरफ पे जो है काम का लोड डाल रहे हैं, आप अपने बच्चों से, हस्बैंड से घर के कामों में हेल्प लें, क्योंकि बिकॉज आपका भी रोज़ा है, उनका भी रोज़ा है, तो जब मिलजुल के सब मिल बांट के काम करेंगे, तो जो है काम जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगे और किसी एक पे लोड नहीं होगा। लाइक जब आप अफ्तारी के टाइम किचन में जाती हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ एंगेज कर लें, जो अब उनकी एज के लेवल से अगर वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, लाइक कोई ड्रिंक बनाना है, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो आपको किचन में करके दे सकें, तो उनसे हेल्प लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट फील मत करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेक योर टास्क इनटू मैनेजेबल चंक्स। अपने जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको स्मॉलर जो है चंक्स में डिवाइड करें, लाइक आप जब सुबह के टाइम उठती हैं सो के, उस वक्त आप ये करें कि घर क्लीनिंग कर ली, तो साथ में जो है आप अफ्तारी की थोड़ी सी प्रेप कर लें दोपहर के टाइम पे, फिर जो है थोड़ी सी ब्रेक लें, और फिर आफ्टरनून में असर के बाद जो है बाकी की जो फ्राइंग वगैरह का काम है किचन में जाके आप वो कर सकती हैं। लाइक आई यूज़ टू डू फ्रूट चाट वगैरह, पकौड़ों का मिक्सर, इस किस्म की कोई चीज़ है वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ, सालन बनना है तो वो भी मैं मॉर्निंग के टाइम पर कर लेती हूँ, दोपहर में मैं थोड़ी सी नैप लेती हूँ, एंड देन आई यूज़
गुफ्तगू मतलब लाइक असर पड़ के मैं दोबारा जो है किचन में जाती हूँ और बाकी के तमाम चीज़ों को जो है ना कम्प्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे तो वो आप थकावट भी फील नहीं करेंगे और जो टास्क है वो आप पूरी जो है फोकस करके और उसको पूरी कहते हैं स्ट्रेंथ के साथ अचीव भी कर पाएंगे अपने टारगेट को। नेक्स्ट पॉइंट ये जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली यूज़ करें, प्रोडक्टिव ऐप्स और ऐसे टूल्स यूज़ करें जिससे आप जो है ऑर्गेनाइज रह सकें, उसके अलावा अपने टास्क को मैनेज कर सकें। रिमाइंडर्स लगाएं अपने मोबाइल पे ताकि जो आपकी डेडलाइन और अपॉइंटमेंट्स हैं या आप वर्किंग लेडी हैं तो ऐसी कोई मीटिंग्स वगैरह जिनको आपने प्रायोरिटाइज करना है तो आपको टाइमली जो है उस डेडलाइन को मीट करने के लिए रिमाइंडर मिल जाए और अपना काम जो है वो आप टाइम पर कर सकें। और यहाँ पर मौसम बहुत ही हसीन और जमील हो रहा था जब मैं ये दावत की पेशन कर रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना दिन में ऐसे रात हो गई थी, बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी ये दावत को ऑब्वियसली 25 बंदों की दावत आप अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने इस दावत को भी अपने इसी तरह ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन तमाम को माइंड में रखते हुए जो है प्लान किया था। कुछ एक दिन पहले चीज़ें कर ली थी लाइक ग्रेवी वाली जितनी चीज़ें थी ना वो मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर कर ली थी नेक्स्ट डे, ताकि जो है ना सिर्फ चावलों को दम देना या सैलड्स वगैरह इस तरह की कोई फ्रेश चीज़ें बननी रह जाती हैं तो वो मैंने उस दिन बनाई थी। तो ये वीडियो और इस तरह के पॉइंट्स आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि तमाम जो हाउसवाइफ्स घर पे जिनको प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग रमज़ान भी और नॉर्मल लाइफ में भी चीज़ें मैनेज करने के लिए अपनी लाइफ में ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप जो है अपनी जो है सेल्फ केयर लाजमी करनी है ड्यूरिंग द रमज़ान। आप ये सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको प्लेजर मिले, जिससे आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो आपने वो करनी है। वो रीडिंग बुक हो सकती है, कोई ऐसा कलाम हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई ऐसे जो है चीज़ हो सकती है जो आपने जो है सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि आप जो है आपका स्ट्रेस लेवल वो रिड्यूस हो और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी ये सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द रमज़ान भी आपने मॉर्निंग और इवनिंग अपनी जो है स्किन केयर करना और अपने आप का ख्याल करना नहीं भूलना। और इस सब ख्याल करने में दूसरों का ख्याल आप तभी कर पाएंगी जब आप अपना अच्छे से ख्याल करेंगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप घर में किसी का भी ख्याल नहीं कर पाएंगी। सो फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड देन अदर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन टू योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है आपको साइन दे रही होती है कि आप फटीक फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मतलब आपको जो है हर तरह का जो है आपकी बॉडी से साइन मिल रहा होता है। तो उस हिसाब से जो है अपने जो है स्केड्यूल और एक्टिविटीज़ को अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करें। इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, इफ़ यू आर फीलिंग एक्टिव उस वक्त आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। सो ऑलवेज जो है अपनी चीज़ों को प्योरिटाइज़ करें, अपने आप को प्योरिटाइज़ करें, अपने आप को सुनें। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में ऐड करके ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं दावत पे। दावत पे मैंने बनाया क्या क्या था, आई कुक ऑलमोस्ट 8 to 10 डिशेज़ मैंने बनाई थी जिसमें पालक पनीर था, कोरमा था, उसके अलावा निहारी थी, बिरयानी थी, इसके अलावा बारबेक्यू था, वैरायटी ऑफ सैलड्स थी, मीठे थे 2 डिफरेंट तरह के, मखनी हांडी थी और भी 1-2 चीज़ें थी जो कि मैं अब भूल गई हूँ कि और क्या क्या। यस, पास्ता था, मैक्रोनी थी और मेरी भाभी लास्ट डे आई थी, उसने मुझे हेल्प आउट किया था इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करने में। और मैंने बीफ की बिरयानी बनाई थी, बिरयानी क्या धुआंदार किस्म की बनी थी। ओ माय गॉड, मैं अभी यहाँ पे जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं तमाम चीज़ें दोबारा से बनाऊँ, लेकिन नहीं, अभी रोज़े हैं, अभी इस किस्म का कोई पंगा नहीं लेना मैडम। कर तो मुझे पता ही मैं लूँगी, अगर मैंने करनी होगी दावत या अफ्तार पार्टी इस तरह से कोई अरेंज करनी होगी कर तो मैं लूँगी, लेकिन थोड़ा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फटीक हो जाऊँगी क्योंकि ये दावत भी जब मैंने की थी लास्ट वीकेंड पे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हमारी फैमिली में बहुत सारी शादियाँ हुई थी और ये जो है दावत डिले होने की रीज़न बेसिकली ये थी कि मेरा किचन अंडर रेनोवेशन था। जैसे ही किचन कम्प्लीट हुआ है तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर यह दावत करनी थी न्यूली वेड कपल की, जिसमें न्यूली वेड कपल तो थे ही, उनकी फैमिलीज भी थी, मेरे पेरेंट्स भी थे, तो ये तमाम जो है मिलजुल के जो कोई 25 से 30 बंदे जो है ना उस दिन 2025 बीफ बिरयानी ना बोनलेस बीफ की बिरयानी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इफ़ यू वांट रेसिपी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं आपके साथ आने वाले दिनों में रेसिपी भी शेयर कर दूंगी।
अच्छा यस, मैं भूल गई, यहाँ पे मैंने निहारी भी बनाई थी जो कि मैंने एक दिन पहले बना के रख ली थी, और इसको मैंने निकाला फ्रिज से गर्म करने के लिए। साथ में यहाँ पे ये मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी कट कर रही हूँ, मैंने सेम डे कट की थी। आप कोशिश किया करें जब भी कोई अगर आ, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है तो अफ्तार डिनर्स या सहरियाँ भी अब तो जो है नॉर्मली मिलजुल के लोग करते हैं, फैमिलीज़ करती हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स वगैरह सारी जो है ये तमाम चीज़ें जो है एक दिन पहले प्रिपेयर कर लें। मीठे में मैंने जो है एक ट्रेडिशनल मीठा बनाया था, और साथ में मैंने सिनेमन्स बनाया था। यहाँ पर सिनेमन्स की डो प्रिपेयर कर रही हूँ, ये सेम डे बनाने थे, एक दिन पहले बना के रखती तो वो थोड़े ना ड्राई ड्राई हो जाते हैं, तो सिनेमन्स जो है हमेशा अगर आपने बनाने थे वो फ्रेश मीठा जो है एक लाइक खीर वगैरह, कस्टर्ड वगैरह, ट्राइफल एक दिन पहले बना सकते हैं। बट जो कुछ मीठे ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपने गर्म गर्म सर्व करना होता है या फ्रेश सर्व किए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं वो सेम डे ही करती हूँ। अभी तक जो है रमज़ान तो बहुत कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें, आपका एक एक कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर किसी को इंडिविजुअली आंसर नहीं भी कर पाती तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो में उसके आंसर कर दूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपसे रमज़ान की जो है फुल डे की रूटीन भी शेयर करूँगी, उस सहर टू अफ्तार और अफ्तार टू सहर, इस तरह की तमाम वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। उसके अलावा ईद की जो शॉपिंग है, ईद की जो तैयारी है उसकी वीडियोस, ईद की ड्रेस की रिक्रिएशन वगैरह भी आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर हिट किया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। यहाँ पर मेरी चीज़ें जो है फ़ाइनल उसमें थी, अब मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ अपने डाइनिंग टेबल की और बाकी तमाम की चीज़ें जो दावत वाले दिन हुई। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ज़रदा ज़बरदस्त किस्म का मुतंजन, उसके अलावा जो है ये कैरमल सॉस है, यहाँ पे ज़रदे के ये लवाजमात हैं जो कि मैंने उसके ऊपर डालने हैं, यहाँ पे बारबेक्यू भी तैयार हो चुका है, सिनेमन रोल्स, यू नेम एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ वेल प्रिपेयर्ड ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये है मेरे डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक, और यहाँ पे ये मैं हूँ। हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था, दावत घर पे होने का मतलब नहीं है कि आप चूड़े और काम वाले बन के घूमते रहें, आपको खुद भी फ्रेश और जो है ना अच्छा गुड लुकिंग नज़र आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, मेरा डाइनिंग टेबल भी रेडी था, खाना दो तरफ लगा था, एक तरफ लेडीज़ के लिए एक तरफ जेंट्स के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो एक ही जगह एकोमोडेट नहीं हो सकते थे। पका पका के ही मेरी जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स किसको खाने के, वो मीठे के वो बाद में आएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।